आपने पहचाना है मुझे? जी मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमारे जो पुराना मोहल्ला जहाँ मैं रहता था जब स्टूडेंट था, तो आपका पीछे आउटफॉल रोड की तरफ आपका घर हुआ करता था, वहाँ से आप आते थे दोस्त के साथ मिलने के लिए। हमारा एक मुश्तरका दोस्त था, उसका इंतकाल भी हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, शराजी आपका नाम है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा शराजी, आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जो लोग सहाफत से मोहब्बत करते हैं और सच बोलने वालों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 137 दिन बाद इमरान रियाज खान, जो कि टीवी चैनल पर काम भी करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, 137 दिन पहले उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से रेस्ट कर लिया था। आज सुबह अलल सुबह 5 बजे उनके घर के बाहर उनको नामालूम अफराद छोड़कर चले गए हैं। आए आपको उनके घर का विजिट करवाते हैं और शायद किसी से बात भी हो सके। आए मेरे साथ, ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं उनका घर है, इमरान रियाज खान का, जिन्हें 137 दिन पहले नामालूम अफराद उठा के ले गए थे। उनके वालिद ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उनको बाजियाब करवाने के लिए, उनके वकीलों ने बड़ी कोशिश की, हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी थी, हर रोज़ कभी कोई बहाना कभी कोई एक्सक्यूज अदालत की तरफ से आता था। IG पंजाब को तलब किया और उन्होंने भी एक्सक्यूज पेश किया कि ये हमारे पास नहीं है। किसी इदारों ने ये भी कहा कि ये अफगानिस्तान की तरफ से कोई नंबर नोट हो रहे हैं, उनके पास होंगे। 137 दिन की तवील कैदो बंदिश के बाद आज इमरान रियाज खान अपने बच्चों अपने माँ बाप के साथ अपने घर में खुश खुर्रम बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके वकील के अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई। मियां इशफाक साहब के कहने के मुताबिक कल तारीख है, कल हाईकोर्ट में इमरान रियाज खान की पेशी है और इमरान रियाज खान सुबह 10 बजे के करीब अदालत पेश होकर अपनी जो मौजूदगी है वो उनके अदालत में सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि वो कहां कहां रहे। अभी तक किसी चैनल पर उनकी कोई भी ऐसी पिक्चर या कोई ऐसी तस्वीर या उनके साथ मुलाकात अपलोड नहीं हो सकी। उनकी पुरानी तस्वीर जो है वो एक अपलोड हुई है जो मियां शफाक के साथ उनकी है और अभी सब लोग की क्यास रही हैं, अभी तक इमरान रियाज खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। इससे आप लोग सब उनके घर का जायज़ा ले रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जो उनके करीबी दोस्त अजीज़ों अकारिब और उनके वकील साहिबान जो उनसे मुलाकात कर गए हैं, और अगर कोई ताज़ा अपडेट होती है, उनके साथ मुलाकात होती है या उनसे बात होती है, तो आपको ज़रूर आगाही देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।